मैं जाना। अतः साधक सत्ता मात्र का ध्यान करे। भगवान कैसे हैं इसको तो भगवान खुद भी नहीं जानते, फिर हम कैसे जानेंगे। यह सबको अनुभव होना चाहिए कि मैं वही हूं, शरीर वह नहीं है। इस बात का आदर करें तो तत्व ज्ञान हो जाएगा। मैं वही हूं यह नित्यता का बोधक है, शरीर वह नहीं है यह अनित्यता का बोधक है। शरीर हरदम बदलता है, स्वरूप कभी नहीं बदलता। दोनों को मिला लेना अज्ञान है और अलग अलग अनुभव करना ज्ञान है। केवल बदलने ही बदलने का नाम संसार है। संसार बहता है, स्वरूप रहता है। मरने पर जीवात्मा शरीर से अलग होता है। अलग वही होता है जो सदा से ही अलग है। जैसे मकान में रहने पर भी हम मकान से अलग हैं, ऐसे ही शरीर में रहने पर भी हम शरीर से अलग हैं। शरीरस्थो विकौन्ते न करोति न लिप्यते। अज्ञान नहीं है तभी वह मिटता है। नेत्र परमात्मा तक नहीं पहुंच सकते, पर सर्वसमर्थ परमात्मा नेत्रों में आ सकते हैं। जैसे राजा बलि ने वामन भगवान पर विश्वास रखा, ऐसे ही भगवान पर विश्वास रखें। प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति आने पर भी विचलित ना हो। बलि भी विचलित नहीं हुए। भगवान कभी गलत करते ही नहीं। उनका प्रत्येक विधान सदा मंगलमय ही होता है। भगवान का आश्रय लेना बहुत बड़ा साधन है। दूसरे का सहारा लेने वाला भगवान को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वह भूल में है। दूसरे का सहारा लेना बड़ी कमजोरी है। जीव भगवान का अंश होते हुए भी प्रकृति के अंश का आश्रय ले लेता है, इसमें उसका बड़ा अहित है। इसलिए वह भगवान को अच्छा नहीं लगता। अपने में जो गुण बल विशेषता है वह अपना नहीं है, उसको अपना मानना हमारी कमजोरी है। अपना अभिमान न करने से भगवान की शक्ति काम करती है। अहम ब्रह्मास्मि में अहम बड़ी घातक चीज है। अहम से ही भेद पैदा होता है। जहां अहम है वहां ब्रह्म नहीं है, जहां ब्रह्म है वहां अहम नहीं है। अपने में कुछ भी अभिमान होता है तो भक्ति नहीं होती। अंश में जो भी विशेषता है वह अंश की ही है, अपनी नहीं। भगवान निराभिमान भक्त के अधीन हो जाते हैं। भगवान अवतार क्यों लेते हैं यह बात तो भगवान ही जानते हैं। सामान्य रीति से कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्। हे भरतवंशी अर्जुन, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब ही मैं अपने आप को प्रकट करता हूं। ये कार्य तो भगवान अवतार लिए बिना भी